नमस्ते दोस्तों, चलिए मिलकर बनाते हैं मिडल ईस्ट की बहुत फेमस डिश हमस। हमस बनाने के लिए हम लेंगे एक कप के बराबर छोला। उसे अच्छी तरह से धोकर मैंने इसे सादे पानी के अंदर सूख किया है ओवरनाइट के लिए। सूख किया हुआ छोला डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब हम इस सूख छोले को बॉईल करेंगे 3 से 4 विसल के लिए। बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में डाला है अच्छी मात्रा में पानी, 1/2 चम्मच मीठा सोडा और नमक स्वाद के अनुसार। 3 विसल आने के बाद मैंने अपनी गैस को कर दिया था बंद और मैं इसे गैस को निकाल कर चेक करूंगी क्या मेरा छोला अच्छी तरह से बॉईल हुआ है। छोले की स्किन अलग हो चुकी है और छोला मुझे सॉफ्ट नज़र आ रहा है। अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए हुए छोले को हम चाहें तो धोकर स्किन को डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर इसी तरह से इसे ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। जब तक हमारा छोला ठंडा होता है हम बनाते हैं घरी पर ताहिनी पेस्ट। ताहिनी पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे सफ़ेद तिल, उन्हें अच्छी तरह से स्लो गैस पर चला चला कर रोस्ट कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक और उन्हें ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। जब तक वो तिल ठंडे होते हैं हम चलते हैं तेल की तरफ। तेल मैंने यहाँ पर चढ़ाया है गार्लिक तलने के लिए। अब आप सोचेंगे इतना सारा गार्लिक? नहीं नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 2 या 3 कली ही लगेगी, पर मैं यहाँ पर चूँकि उसे तल रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा तल लेती हूँ और उसे स्टोर करके रख लूँगी अपनी दूसरी रेसिपी के लिए। तले हुए गार्लिक या भुने हुए गार्लिक का टेस्ट हमस के अंदर बहुत अच्छा आता है। जब तक हमारा गार्लिक तलता है हम पल्स मोड पर चलाकर अपने तिल को दरदरा पीस लेते हैं। दरदरा पीसने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल और इसे फिर से पीस लेंगे। घर पर ताहिनी बनाना इतना आसान भी हो सकता है। इसे आप स्टोर कर सकते हैं लगभग 1 से 2 हफ्ता के लिए, बिल्कुल कुछ नहीं खराब होगा। सुनहरे भुने हुए गार्लिक्स खाने में तो अच्छे लगते ही हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तेल को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम बॉटल में छान कर रखेंगे और इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हमस के अंदर या फिर पिज़्ज़ा, पास्ता, कोई भी रेसिपी के अंदर। गार्लिक को मैंने सीजन किया था सी सॉल्ट के साथ। अब हम चलते हैं फूड प्रोसेसर या मिक्सी की तरफ। यहाँ पर हम डालते हैं उबले हुए छोले, 1.5 से 2 चम्मच ताहिनी, 2 से 3 बड़े गार्लिक और 1 नींबू का रस। साथ ही में मैंने लिया है नमक स्वाद के अनुसार और अगर आपको पसंद हो तो यहाँ सेके हुए जीरे का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे हम पीसते वक्त डालेंगे साथ में ऑलिव ऑयल और 3 से 4 आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स इसे फ्लफी भी बनाती हैं और इसे अच्छा स्मूथ टेक्सचर भी देती है। दीजिए, हमारा स्मूथी सिल्की हमस बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए एक डिप की तरह या फिर अपने लेबनीज़ फूड के साथ में, जैसे कि फलाफल, पिता ब्रेड के साथ।